नमस्कार, विशेष रजूआत साथे हूँ छूँ नरेन्द्र सिंह। आज देश में राजकीय क्षेत्र एक अनोखो दिवस है, कारण के विपक्ष ने शासक एट के बने बाजू थी आज बैठकों दौर है। विपक्ष पर बैठक योजी है और सामें एनडीए द्वारा पर बैठक योजना आई है। विपक्ष की बैठक बाद कांग्रेस अध्यक्षे नवा नाम पर मोहर मारी है और विपक्षे नवा गठबंधन नाम इंडिया राख्य है। मल्लिकार्जुन खड़गे केन्द्र सरकार पर आ साथ ज प्रहार कर कहूं कि लोकतंत्र ने बचावा अमे सौ विपक्ष एकत्र थया छे। तमाम पक्षों नाम पर सहमति पण व्यक्त करी दीधी छे अने विपक्षनी हवे पछीनी बैठक मुंबई खाते योजाशे। विपक्ष द्वारा आ बीजी बैठक योजवामां आवी हती बेंगलुरु खाते अने हवे त्रीजी बैठक महाराष्ट्र में योजाशे। आ पहला पटना में पण विपक्षी दलों एकत्र थया हता अने आ वखते 26 जेटला विपक्षी जे दलों छे विपक्षी पार्टी छे ते बेंगलुरु में एकत्र थई अने एक सूर साथे 2024 लोकसभा चूंटणी में तैयारी करवा कमर कसवा ने एनडीए ने हटावा माटेनो एक सूर व्यक्त कर्यो। तो पटना थी बेंगलुरु आवता मात्र 24 दिवस नो समय लाग्यो। बेंगलुरु नी ताज होटल में विपक्ष नो जमावड़ो थयो तो ए तमाम चेहरा जोवा मळ्या के जे थोड़ा दिवसों पहला पटना में पण जोवा मळ्या हता। सौथी मोटी बात ये छे के आ बैठक में सोनिया गांधी खूब ज एक्टिव जोवा मळ्या। मोटा नेताओं की लाइन में सोनिया गांधी सेंटर में बैठेला जोवा मळ्या। आ बैठक ने लईने जोडायेला नेताओं पोतपोताना अंदाज में भाजप पर प्रहार करता पण जोवा मळ्या। तमाम लोकोए जाणे नक्की कर्युं हतुं के सीधी रीते के आडकतरी रीते सत्ता पक्ष पर प्रहार करवो। शुं कह्युं विपक्ष की बैठक में एकत्र थयेला केटलीक पार्टी नेताओं सांभळो। मीटिंग जरूरी इसलिए है, देश को बचाना, लोगों को बचाना, पॉलिटिकल लीडर के साथ जिस तरह व्यवहार हो रहा है। और मैं ये कहता हूँ कि देश की दो तिहाई जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, 2/3 जनता खिलाफ है, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के लिए सब एक है। जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर दुरुपयोग कराया जा रहा है, जिस हिसाब से देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महंगाई हो, इन सारे जो असल मुद्दे हैं इन पर बात ना करके जो जहर की बातें जो है जो नाकों से चलती है उसकी बात की जा रही है। किसान वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, आज उनके जीवन में दो जो उनकी रोटी उनको मिलना, इज्जत और सम्मान मिलना, उनका भविष्य उज्जवल होना कितना दुश्वार उनके लिए हो चुका है, तो उन्हीं के लिए हम लोग काम करते आए हैं। आज एक समन्वय बनेगा, चर्चाएं होंगी और उससे रास्ता निकलेगा। ही इज क्रिएटेड सो मच ऑफ हेट्रेड अमंगस्ट द पीपल, द इकोनॉमी इज इन शैम्बल्स, देर इज सो मच ऑफ इन्फ्लेशन, देर इज सो मच ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन ऑल सेक्टर्स। सो नाउ आई थिंक इट्स अ टाइम दैट पीपल ऑफ दिस कंट्री वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ हिम। वर्तमान सरकार के द्वारा जो देश में हालात बनाई गई है उसी को लेकर आज ये एक बैठक है। जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, जिस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उसके साथ खिलवाड़ हो रहा, हमारी डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ हो रहा, हमारी डाइवर्सिटी जो हमारे मुल्क की ताकत है, जो गांधी के मुल्क की ताकत है, सबको मलियामेट किया जा रहा है। इसलिए सब पार्टीज़ को इकट्ठा होकर द आइडिया ऑफ इंडिया हैज़ टू बी सेव्ड। तो विपक्ष की बैठक पर एनडीए ना साथी पक्षों प्रहार कर के आ गठबंधन नहीं परंतु महा ठगबंधन छे, जेमणे देश में भ्रष्टाचार ने वेग आप्यो। देखिए, जब समाज का काम होता है, समाज के लिए काम शुरू होता है, तो आदमी आराम से वहां रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। 2024 में कितनी सीटें लाएंगे? 80 की 80 सीटें आएंगे यूपी में। हम एनडीए को ताकत देने के लिए एनडीए में शामिल हो रहे हैं, विरोधियों से हमसे क्या मतलब है? विरोधी अपना काम करें, विरोधी का काम होता है विरोध करना। 2018 में आपने देखा, 2019 में हम आए मोदी जी के साथ, 2022 में बड़ा नेता भाग गए थे, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में इधर से उधर गए, लेकिन नेता गए लेकिन जनता वोट थोड़ी गया है उनके पीछे। लेकिन ये है कि अगर समाज मेरे साथ है, समाज के लिए काम कर रही हमारी एनडीए, तो उनके नेता का भी सम्मान होना चाहिए, वो साथ रहेंगे तो और अच्छी बात है, और उनके आने जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आज की तारीख में आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से देख रहे हैं, आप जन नेता हैं, एनडीए कितने सीट पा पाएगी? हम लोग जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं सोचते देखते होंगे, उससे 2-4 सीट अधिक पाते हैं, तो जो भी हमारा मिशन है उससे अधिक पूरा होगा। नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, वो
जो उनका व्यक्तित्व भी है, हम समझते हैं कि हिंदुस्तान क्या, संसार के बहुत कम नेताओं का वो व्यक्तित्व है जो नरेंद्र भाई मोदी जी का है। तो इसलिए उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं। जब महागठबंधन से हम अलग हुआ तो NDA में आने का संकल्प लिया और वो नरेंद्र भाई मोदी जी के व्यक्तित्व के चलते हमने लिया है। मिलकर चुनाव लड़ना है और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व ही ऐसा है कि पूरे देश में फिलहाल उनका कोई विकल्प नहीं है। उनके साथ एकजुट होकर हम सब लोग चुनाव लड़ेंगे और अगली सरकार फिर उनके नेतृत्व में बनेगी। कुछ शर्तें भी होंगी आपकी तरफ से, उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से? देखिए, कुछ शर्त का कहाँ कोई मामला है। NDA में हम शामिल हुए हैं और NDA एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगा, इसमें शर्त का क्या मामला? बेंगलोर NDA की जो बैठक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मोदी साहब का नाम पूरे विश्व में है। इंडिया में जो प्रगति मोदी साहब के नेतृत्व में हुई है, ये प्रगति आज तक नहीं हुई थी। इसलिए हम सब का, जो भी उनके सहयोगी सदस्य है, उनका कहना है कि पूरे भारतवर्ष को मोदी साहब के साथ रहना चाहिए, मोदी साहब को सपोर्ट करना चाहिए और फिर से वो सत्ता में आना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का कद दिन प्रतिदिन इतना ऊंचा जा रहा है कि विपक्ष उसके लिए हाय तबाह कर रहा है। ये कतई संभव नहीं है। 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, NDA गठबंधन 2/3 बहुमत से हमारी सरकार बनेगी और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण।